कुछ असुविधा हुई उस असुविधा का आप भाव समझेंगे, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं दुखी है। सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये कोर्ट ने नहीं बल्कि सरकार ने कदम उठाया है, सरकार ने लेकर भेजा है, इसलिए जनता के अंदर खासतौर पे आम शिक्षक के अंदर आक्रोश है। वो चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप्स है, ओबीसी है, और यहाँ पे दूसरे जाति भी जो है जो जनरल कैटेगरी के उनके अंदर भी आक्रोश है कि जो इतने दिन से हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना चाह रहे थे उसको भी रोक दिया गया है। ये खतरनाक चीज है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी सरकारी फोरम पे अपनी बात को रखेंगे, हमारे इस आक्रोश को वहां पे जरूर लेके जाएंगे कि शिक्षक जो है वो आक्रोशित है, अपनी बात को रखना चाहते हैं। साथियों ये बात सही है कि एक मिनट साथियों ये बात सही है कि हमारे यहाँ पे देखिए अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। हम मंच की गरिमा को बनाए रखें, हम मंच के, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के भी लोग बैठे हैं, बीजेपी के भी बैठे हैं, और यहाँ पे जो है लेफ्ट वाले भी बैठे हुए हैं, और दूसरे विचारधाराओं के लोग भी बैठे हुए हैं, सभी विचारधारा के लोग हैं। हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, ओबीसी की यूनिटी को बनाने के लिए इस मंच को बनाया, ना कि उसको तोड़ने के लिए। आप अपनी राजनीति यहाँ से बाहर करेंगे, इस मंच पर कोई राजनीति नहीं करेगा। सभी साथियों के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हमारे जो साथी हैं वो आ रहे, क्योंकि कल हमने एनडीटी वालों को बुलवाया था, लेफ्ट वालों को बुलवाया था, आज बीजेपी वाले भी साथी यहाँ पे बोल रहे, कोई बात नहीं है। दूसरे साथी भी अगर आते उनको भी सुना जाए, उनको भी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हाँ जिन साथियों को आक्रोश अपना आज जाहिर करना वो उनको बोलने के बाद अपना आक्रोश जाहिर करें। हम यहाँ पे किसी को सुन इसलिए नहीं आए कि भाई आपने क्या किया, आपने क्या किया, हम ये भी पूछने आए कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो आपने भी कुछ नहीं किया है, आपने भी कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया। धन्यवाद।